नमस्कार, स्वागत है कंचन ट्यूब पर। चुनावी रण सज चुका है और पूरे हरियाणा में उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी जता दी है। सफीदों की अगर मैं बात करूं, वार्ड नंबर 4 से दीपक चौहान एक गौ सेवा में बहुत बड़ा नाम है। विभिन्न पदों पर वो हरियाणा में है, गौ सेवा में है और एक लंबे अरसे से वो सेवा कर रहे हैं। अब वो जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद काउंसलर। वो बनना चाहते हैं, क्या उनका एजेंडा है, किस लिए वो बनना चाहते हैं? चौहान साहब, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा कंचन टीवी पर। जी, कंचन टीवी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं सबसे पहले तो। जी चौहान साहब, गौ सेवा करते करते अब मानव सेवा करने की ललक जगी है। जी, देखिए, मानव सेवा तो पहले भी करते रहते थे, जैसे रक्तदान शिविर होगा या अलग अलग से जहाँ पे जिसको जरूरत पड़ती थी वहाँ भी करते थे, लेकिन अब एक अलग तरीके से कार्य करने का मन बनाया है और वो भी सभी वार्डवासियों के सहयोग से। मतलब अब कहीं ना कहीं चौधर पाने का शौक चढ़ा है? नहीं, चौधर का तो कोई रोला नहीं है जी। चौधर का तो ऐसे ऐसे संगठनों में बहुत बड़े बड़े पद दिए हुए हैं जिसमें उसको तो हम वो भी नहीं करते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े पद हैं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई। चौधर का ये तो एक सेवा का कार्य है। जो फिर क्या क्या मन है, क्या एजेंडा है, क्यों आप पार्षद बनना चाहते हैं, मंशा क्या है? जी देखिए, हमें क्या था, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो इन इन माध्यमों से होते हैं, राजनीति में जाने के बाद ही होते हैं। और राजनीति भी दो तरीके होते हैं, एक तो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, एक सेवा नीति होती है। उस सेवा नीति करने के लिए हम इस राजनीति में आए हैं, ताकि जो कार्य अटक जाते थे लोगों के अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थों के लिए लोग उन कार्यों को रोक देते थे, हम उन कार्यों को करवाने के लिए आए हैं। मतलब आप चाहते हैं कि नगर पालिका की जो पावर है उसमें रहकर ही समाज का भला कर सके। वार्ड का भला कैसे करेंगे, ब्लूप्रिंट क्या है, कौन कौन से काम है जो आप चाहेंगे कि प्रधान बनते ही, पार्षद बनते ही आप कराएं? जी बिल्कुल है। देखो, मैं वार्ड में हर घर में गया हूँ, पूरे वार्ड के हर घर में गया हूँ, तो बहुत सी खामियां मुझे मिली है वार्डवासियों से, जो मैंने नोट भी किया है। उन वार्डवासियों की ही शिकायत सुनने के बाद ये पता लगा कि भाई वार्ड में कितनी खामियां हैं, कितनी लाइटों की व्यवस्था, अभी भी आप देखोगे जाके बहुत सी लाइटें ख़राब हो चुकी थी, जिनको आज मैंने बोला है ठीक करवाने के लिए और वो आजकल में ठीक भी हो जाएंगी। तो ऐसी और बहुत सी प्रकार की समस्याएँ हैं, जैसे पाइप लगवा दिए थे नालियों के अंदर, वो पाइपों को भरे पड़े हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं को निदान करने के लिए सबसे पहले तो यही रहेगा। उसके बाद रहेगा जो हमारा जो वार्ड है उसमें किसी बेटी की शादी है जो आर्थिक तौर पर थोड़ा कमज़ोर रहते हैं, परिवार ऐसे भी हैं, तो पहले तो जो सरकार की योजनाएं होती है उन योजनाओं को, हर योजनाओं को उस बेटी तक पहुँचाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको इसमें मदद मिल सके सरकार की तरफ से। दूसरा, हमारी संस्था की तरफ से भी उस बेटी के शादी में किसी भी प्रकार का जो जितना सहयोग होता है, या वो पैसे से हो या फिर जो कोई सामान अलमारी वगैरह कुछ भी लगा लो इसमें जो शादी में चाहता है, उस चीज़ में किसी न किसी प्रकार की हेल्प हम उसमें माध्यम से करेंगे। जी दीपक भाई, आपके सामने जो प्रतिद्वंदी सुनील बाबू है, सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को बताते हैं, समाज सेवी हैं, सुबह साइकिल पर निकलते हैं, अपने वार्ड में ही वो पूरा दिन लगाते हैं, तो क्या उन सब के उनके कार्य को देखते हुए आपको लगता है कि चुनाव जितना आसान रहेगा आपके लिए? नहीं देखिए, बिल्कुल है, लोग जागरूक हो चुके हैं, सभी को पता है पिछले वार्ड MCO ने क्या किया था प्रधान बनाने के लिए। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं और उन अब जनता जाग चुकी है, जो पहले लोगों को मिसगाइड कर दिया जाता था। और एक प्रधान बनाने के लिए जो नगर पार्षद होते थे सभी को पता है वो कितने कितने लाखों रुपए में बिकते थे, और जब जिस आदमी के पास लाखों रुपये आ जाएंगे तो वो वार्ड में ही घूमेगा। जब अगर उसका ये रहेगा अगर भी मैंने अपने परिवार भी और सिस्टम सब संभालना है, तो माध्यम से होगा। ये तो उसकी प्रक्रिया थी भाई, वो साइकिल पर काम करना चाहता है या फिर वो पैदल काम करना चाहता है या बाइक पे काम करना चाहता है, उसने वो अपना तरीका चुना। हमारा तरीका अलग रहेगा जिस प्रकार से हम काम अपना करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि उन्होंने जो लोगों की सेवा की है, चाहे वो राशन कार्ड बनवाना हो, किसी के मकान बनवाने हो, ग्रांट पास कराना हो, बुढ़ापा पेंशन बनवानी, तो वो घर जाते हैं, कागज लेके आते हैं, तो वो जो उनके कार्य थे उनको देखते हुए कहीं ना कहीं लोग उनकी तरफ दोबारा से जा सकते हैं या फिर वो नए चेहरे पर जाएंगे? देखिए, वार्ड में मैं पूरे में घूमा हूँ, सभी बदलाव की ओर चाह रहे हैं। और दूसरा, जब वार्ड ने उनको 5 साल दिए तो उनका काम बने था उनको काम करने का, तो उनको मैं कहता हूँ करना भी चाहिए था, और जितने रह गए उनको मैं तो कहता हूँ उनको भी करना चाहिए। तो हमें ये नौबत ही नहीं आती कि वार्ड के लोगों को नया चेहरा चुनना पड़ता, तो वार्ड में ऐसा भी ने कहा भाई एक बदलाव होना चाहिए। और कहते हैं ना, एक जगह खड़ा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है या उसमें काई लग जाती है, तो एक 5 वर्ष बाद एक बदलाव होना जरूरी है, तभी पता लगता है भी उस आदमी ने कितना काम किया, क्योंकि अगला जो पार्षद आता है वो उसे जब 2 गुना काम करके दिखाएगा तो आप पता लगेगा लोगों को उसने किसने काम किया या उसने किसने। ऐसा तो नहीं कि अगले पिछलों को अच्छा कहलवा जाए?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उससे अगर हम जितना भी बेहतर काम कर दे, हम ये कहते हैं हम जितना भी बेहतर काम कर दे उससे चाहे 3 गुना कर दे, हम दोबारा ये नहीं कहेंगे भी हमें ही पार्षद बनाओ। हम ये कहेंगे जी जी बिल्कुल, हम एक बार करना है चाहे कितना ही काम कर दे, हम ये कहेंगे क्या पता हमसे भी कोई अलग सोच रखता हो काम करने की, तो एक नया चेहरा हम ये सोचेंगे भी अगली बार फिर किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए। तो कहा जा सकता है कि इस बार समाज सेवा पर गौ सेवा भारी पड़ने वाली है। जी बिल्कुल है, ये तो आप जनता के हाथ में, भ्रष्टाचारियों को चुनना है या समाज सेवियों को चुनना है, क्योंकि हमने तो बेजुबानों के लिए तक गोली खाई है और ये तो बोलने वाले हो एक भी रात फोन कर देना जब नहीं गाय के लिए कि मिनट में खड़े पाए हैं जब रात, तो गोलियों के आगे तो समाज के लिए जब फोन करेगा तो क्यों नहीं हम आके आके। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी, आप अच्छे से अपना चुनाव लड़ें और जीत दर्ज करें। कंचन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद और यशपाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वार्ड नंबर 4 के उम्मीदवार है काउंसलर, वो बनना चाहते हैं गौ सेवा में। अच्छा, उनका एक धाक है, धमक है, चमक है, पूरे शहर में नहीं पूरे हरियाणा में उनको जाना जाता है, प्रदेशों से बाहर भी जाना जाता है। देखना होगा कि समाज सेवा पर गौ सेवा भारी पड़ती है नहीं, क्योंकि जब 19 तारीख को ईवीएम में इनकी किस्मत कैद होगी आप और हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन 22 तारीख को जब नतीजे खुलेंगे तो कंचन टीवी तब आपको दिखाएगा कि किस पार्षद को कितने वोट मिले हैं और क्यों मिले हैं। ये भी विश्लेषण हमारी टीम लगातार स्टूडियो से भी करेगी, ग्राउंड से भी करेगी। बस निवेदन है कि हमारे चैनल कंचन टीवी को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियोज को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सहयोगी के साथ यशपाल कंचन।